हमें वहां फिर जाना है। फिर से कहां पर? जहां हम अभी गए थे वहीं जाना है। ओ, तो क्या एक बार जाकर आपका दिल नहीं भरा? वहां से एक लड़की को उठाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उठाना है? वो सुपरमार्केट नहीं है जो मांगने से मिल जाएगा। हा? लगता है आप पागल हो गए हो। थोड़ा बहुत। फिलहाल इस पागलपन में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारी तो किस लिए कर रहे हो? जरूरत क्या पड़ी है? एक वेश्या के अड्डे से एक लड़की को उठाकर लाना कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी मुझे कह रहे हो। मुझ पर एक मुसीबत आ गई है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। वो आपसे मिल जाएगा, इसी उम्मीद में मैं आपके साथ आया, समझे? जरूरत हमसे बहुत कुछ करवा देती है। मैंने जरूरत तुम्हें बता दी, अगर तुम पूरा करोगे तो तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दूंगा। जब भी मेरा मूड आएगा। आप क्या सोच रहे हैं, पैसों के लिए मैं कुछ भी करूंगा क्या? फिलहाल तुम्हें पैसों की जरूरत है, और तुम दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। किसी को बचाने के लिए आप क्या पुण्यात्मा हो? किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि वो बुरा है या अच्छा। जिस काम के लिए आए हैं उसे अंजाम देना है। आप भी अरे यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। ए, जिससे मिलना था उससे मिल लिया, चल जाए यहाँ से। अरे सुनो, ए, एक बार बोला तो समझ नहीं आती। क्या देख रहा? गाड़ी निकाल। इस कमीने को तो मैं
वैसे अड्डे में है कितनी तुम्हारी? 6-7 या 10 है? दलालों का पूरा गैंग था अंदर। आपके हाथ में कोई मशीन गन नहीं है उन सबको भूनने के लिए? जब वो लोग किसी को काट कर जाते हैं ना तो कुत्ता भी सूंघने नहीं आता है। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें बहुत रिस्क है। कुछ देर पहले तुमने ये बात कही थी कि तुम दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकते हो। अब क्या हो गया, एक छोटा सा खतरा आते ही अपनी जान दोस्त से ज्यादा प्यारी हो गई? रही बात मारपीट की, कभी कभी किसी से मार खानी भी पड़ती है। एक दो लड़ाई के बाद डर दूर हो जाता है। अगर उसके बाद भी तुम्हें डर लगता रहेगा तो हमें कहीं सेफ जगह पहुंचा दो, मुझे और इसे। इसे आपने? मुझे पता है कि तुम कोई हीरो नहीं हो जो 10-15 लोगों को एक साथ ढेर कर सको। फिलहाल टेंशन को दूर करने के लिए एक छोटा सा ड्रामा था जो तुमसे करवाया। एंड यू प्ले वेल। ये कोई आपका मलेशिया या सिंगापुर नहीं है, ये मदुरई है, मदुरई। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये खेल इतना आसान नहीं है। खेल तो अब शुरू हो चुका है और कभी कभार उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।